देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स टर्म में हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए, तक छठा क्वेश्चन कर लिया। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1, 2, 3 क्रम का मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे दिया हुआ है। ए आई जे बराबर 1/2 मोड़ो 2i-3j मोड़ो दिया हुआ है। अब इसको कैसे हम करना है, माना कि ए बराबर a11, a12, a3 और a21, a22, a23 हमने a23 क्रम का एक मैट्रिक्स मान लिया है। उसमें आप प्रत्येक अवयव का मान निकालेंगे जिस प्रकार से हमें दिया हुआ है। हमारे पास aij बराबर दिया हुआ है 1/2 मोड ऑफ 2i-3j। अब इसमें सबसे पहले बताएंगे 1/1 का मान 1/2, तो यहाँ रखते हैं आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 1 रखना है और हल करना है 1/2 और 2-3 हल किया तो माइनस का 1/2 हल किया तो 1/2, क्योंकि मोड में यदि कोई भी संख्या माइनस में हो प्लस की हो जाती है। इसी प्रकार हम मान निकालते हैं ए 1/2 का 1/2 का निकालेंगे। यहाँ हमारे पास इसकी जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है और 1/2 2 × 1 − 3 × जे की जगह 2 है और हम लिखेंगे 1/2 ये 2 − 6 हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4/2 तो 4/2 = 2। इसी प्रकार हम ए 1/3 का ज्ञात करते हैं, इसका भी मान किसी प्रकार निकालेंगे। आई की जगह 1 है, जी की जगह 3 है, तो इसमें रख देंगे 2 × 1 − 3 और ये 3। जैसे ही हम करते हैं 1/2 2 − ये माइनस आया, हल किया हमारे पास माइनस के साथ बचे में 2, इसको हल किया तो 7/2 आया। इसी प्रकार अगला हम हल करेंगे ए 2/1 को, जहाँ आई का मान 2 है, जी का मान 1 है, वो हम इसमें रख देंगे 1/2 और यहाँ 2 × 2 − 3 × 1। जैसे हम करते हैं कि 4 − 3 हम किया 1/2। इस प्रकार हमारे पास a11 का मान निकल गया, a12 का मान निकल गया, a12 का निकल गया और a21 का मान निकल गया। जो जो मान निकलते जाते हैं हम उसको रखते जाते हैं। यहाँ पर पहला हमारे पास a11 का मान निकला है, वो मान आया हमारे पास 1/2। इसी प्रकार a12 का मान आया हमारे पास 2 और इसी प्रकार हमारे पास a13 का मान आया है 7/2 और a21 का मान आया है 1/2। इसी प्रकार बाकी के दो मान निकालें। अब हमारे पास इसका मान निकालना है a22 का, क्योंकि i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है, 1/2 2 × 2 − 3 × 2 कर दिया 1/2 4 − 6 इसको हल करते हैं तो माइनस का 2/2। जैसे ही हम हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2/2 = 1। इसी प्रकार अगला 2/3 का मान निकालते हैं, यहाँ 1 का मान 2 है, जी का मान 3 है, इसमें रखते हैं 1/2 2 × 2 − 3 × 3 1/2 4 − 9। जैसे ही इसको हम लिखते हैं हमारे पास माइनस का 5/2 और 5/2। इस प्रकार हमारे मान जो है फिर मान भी यहाँ रख देंगे 1/2 = 1 और 2/3 = 5/2। सारे मान निकल गए, सारे मान इसमें रख देते हैं। ए बराबर हमारे पास 7 हो चुका है, ए का मान हमारे पास a11 का मान 1/2 है और इसका मान हमारे पास 2 है,
4 is common, no matter how much 7 by 2 and 4, 2, 2 is common, no matter how much 2 is common, no matter how much 1 by 2 and 4, 2, 2 is common, no matter how much 3 and 4, 2 is common, no matter how much 5 by 2 and 4, 2 is common, no matter how much जो दिया गया था उस अनुसार में मान निकाल लिया। इसके बाद एक छोटा सवाल लगा हुआ था, हम सातवा करते हैं। स्क्वायर माइनस या करेंगे 4 प्लस 2
a plus r बराबर 0, a square minus 4a minus 2a plus r बराबर 0, a square minus 4a minus 2a plus, अब हम इनमें से अलग अलग इसको खोलने के बाद इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन a निकला a minus 4, इसमें से कॉमन माइनस का 2 निकला a माइनस 4 बराबर 0, ये पूरा कॉमन है इसको बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा a माइनस 2 और बराबर 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे a, जब इस प्रकार होता तो लिखते हैं a बराबर 0, इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 या a माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से a बराबर 1 निकल के मेरे पास आ गया 4, तो यहाँ से निकल के आ गया 2। अब मैं a के मान निकाल लिया a बराबर 4 और a बराबर 2, अब इस तीसरे समीकरण में रखकर b के भी मान निकालूंगा, इसलिए आगे देखिए। अब समीकरण नंबर 3 में a के मान रखने पर जैसे ही मैं इसमें मान रखूंगा तो b का मान मेरे पास मिल जाएगा, जब पहली एक बार अब मैंने 4 रखा तब मेरे पास आएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, अब यदि a बराबर मैं 2 रखता हूँ तो मेरे पास b बराबर 6 माइनस 2 आएगा, तो b बराबर मेरे पास कितना आ गया 4। इस प्रकार मैंने ये देखा कि a के मेरे पास a बराबर मान आ गया है 4 और 2, वह b बराबर भी आ चुका है 4 और 2, अतः ये वह बी के दोनों मान हमारे पास निकल आ चुका है। पहले हमने शॉर्टकट में डायरेक्ट हल कर लिया था, जब किसी कंप्लीशन आया तो शॉर्टकट ही हल करना होता है, ये तो जब किसी एग्जाम बोर्ड में करना होता है ऐसे करना होता है। अब हम ये सवाल बन हुआ, अब अगला देखते हैं। अब आपको शॉर्टकट वाला एक बार मैं बोल रहा हूँ, a प्लस 6 a प्लस b बराबर मेरे पास 6 था, a और b बराबर मेरे पास 8, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको करना क्या है, a रखना है, b रखना है और यहाँ c भी रखना है। अब हमें करना क्या है कि दोनों का योग 6 आए, हम अपने मन से टुकड़े कर लेते हैं, टुकड़े करें यदि मैंने 4 और 2 कर लिया, दोनों का गुणा 8 होना चाहिए तो सही है, इसका मतलब मेरा ये पहले वाला जो मैंने सोचा वो सही है, तो ये 8 आया। अब मैं इसको उल्टा भी सोच सकता हूँ, ये 2 और 4 भी हो सकता है, तो मैं इसको 2 और 4 को गुणा करने पर 2 ही 8 आ रहा है, अतः यहाँ से भी मेरे पास a बराबर 4 तो 2 है और b बराबर भी 2 तो 4 मान आया है, ये शॉर्टकट भी है। तो इस प्रकार सवाल को आप शॉर्टकट करके भी हल कर सकते हैं। अब अगला मान देखते हैं, सवाल
देखिए उनको ये सवाल दे रखा है, इस सवाल में हमको हल करना है कि यहाँ पर एक्स वाई और टी के वैल्यू देते हैं एक्स और जेड, एक्स वाई और टी के मान दिया हमको दिया हुआ है, इसके मान ज्ञात करने सबसे पहले पहले का पहले से तुलना करेंगे। तो जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर तो 2x बराबर 4 आया और इसी प्रकार हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। इसी प्रकार इसको भी सेल करते हैं तो यहाँ माइनस एक्स प्लस जेड बराबर हमारे पास माइनस का 4 है और यहाँ से इसकी तुलना करते हैं तो 3y माइनस 2t बराबर माइनस का 3 है। अब जैसे ही हम इसमें से मान निकालते हैं यहाँ हमारे पास, तो जैसे ही इससे मान निकाला हमने तो x बराबर 4 होने में 2 बराबर 2 आया। जब 2 आ चुका है ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। तो अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर जैसे ही रखते हैं 3 × 2 प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से 6 प्लस वाई बराबर 5 तो वाई बराबर 5 माइनस 6 तो यहाँ से माइनस का मान आ गया है। अब इसी प्रकार हमने x का मान भी निकाल लिया, यहाँ से x बराबर हमारे पास आ चुका है 2 और वाई बराबर हमारे पास माइनस का मान आ गया है। इसी प्रकार आगे हम मान निकालते हैं इसमें रखते हैं और हमको बी का मान ज्ञात करना है यहाँ से और जेड का भी करना है तो हम जेड का भी कर सकते हैं। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 में एक्स का मान रखने का जैसे ही हम इसमें रखते हैं एक्स का मान हमारे पास 2 है प्लस जेड है बराबर माइनस का 4 है, जेड बराबर जैसे ही मीटर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये होगा माइनस का, तो जेड बराबर हमारे पास आ चुका है माइनस का। और देखिए हमारे पास ये मान क्या आ चुका है, जेड बराबर मान आ चुका है माइनस का 2 आ चुका है, माइनस का 2 आ चुका है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ से बी का मान भी ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 4 में वाई का वाई बराबर माइनस पर लगने पर जैसे ही इसमें रखते हैं 3y का मान माइनस 1 है, माइनस 2t बराबर माइनस 3 तो माइनस का 3 माइनस 2t बराबर माइनस 3, जैसे ही इसका सबट्रैक्शन करते हैं माइनस 3 उधर जाते हैं प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2t बराबर 0 हो चुका है। तो t बराबर अब यहाँ से जैसे ही मान निकालते हैं तो 0 आया, तो ये बटे में ये गुणा 0 भी चला, 2 भी चला जाए तो 0 भी आएगा, अतः t बराबर हमारे पास माइनस 3 0 आया। अब t का मान भी हमने निकाल लिया, t बराबर 0 हुआ। अतः इस प्रकार इस सवाल में हमारे पास दिए हुए एक्स वाई जेड और एक्स वाई तो टी का पूछा था हमने, जेड का एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसका मान इस प्रकार इस सवाल हमने हल कर दिया। अब अगला सवाल नवा सवाल देखते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो मान है थे इस प्रकार है, एक्स बराबर जो मान निकला था 2 था, वाई बराबर मान माइनस 1 था और जेड बराबर माइनस 2 था और टी बराबर 0 आ गया था हमारे पास। अब हम अगला सवाल देखते हैं।
yang dia akan itu untuk di biawara di biawara dan di sini kalau six kalau six di biawara dia kemudian yang kesalahan jelasan kok istilahnya begitu sama sama cibarnya A or B sama kayak bisa tuh nih yang hasil A or B kayak sama kayak bisa tuh A B by C yang mana ya ini yang mana sama ini yang mana sama dia mana ini dia mana pasti dua matriks dia ya dua matriks sama matriks ya usul ABC का मान ज्ञात करना हमको ये पता है कि पहला वो पहले के बराबर होगा दूसरा दूसरे के बराबर होगा तीसरा तीसरे के बराबर होगा इस प्रकार हम लिखकर इसके सारे मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम पहले देखते हैं पहला आएगा a minus 2 बराबर b ये पहला समीकरण होगा दूसरा हमारा c बराबर c और अगला 2c बराबर 6 तो यहां से भी हम निकालते हैं तो c बराबर हमारे पास 6 y 2 तो c बराबर 3 आएगा क्योंकि पहले हमको दे रखा है इसमें और यहां से निकालने तो हमको ये पता चल जाएगा कि का मान कितना आएगा जैसे ही हम इसकी तुलना इसके साथ करते हैं तो 12c बराबर हमने 6 भी किया और c का मान हमको पता है 3 है तो इसमें रख देंगे तो जैसे ही हम लिखते हैं यहां से तो b बराबर हमारे पास हो जाएगा 12c अपॉन 6 तो b बराबर हो गया 2c और c का मान हमको दे रखा है c का मान हमको दिया हुआ समीकरण नंबर 2 में तो 2 से c का मान रखने पर जैसे ही मान रखते हैं ना तो हमको 3 बराबर हमारे पास 6 तो b बराबर हमारे पास कितना 6 आ जाता है